हेरे गौ माता न्यू रोके बोली यारे के जिंदगी से बर्ताव हो रहा है, क्या होता है गऊ के साथ। चाहिए अपने धर्म को नहीं भूलना चाहिए, अपने देश को नहीं भूलना चाहिए, और चौथा इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए। दूसरी बात में गौ माता कहने लगी कि तुम ये सोच के चुप हो मेरे हिंदू बेटो, अगर तुम ये सोच के चुप हो कि मां तो सिर्फ एक होती है जन्म देने वाली,
माँ सिर्फ एक होती है जन्म देने वाली, तो तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर हिंदुओं की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी चार माँ बताई गई है सजन। कौन कौन सी चार माँ? लेकिन गौ माता का दर्द नहीं दिखाई दिया। भारत माता को तो आजादी दिलवा दी, लेकिन मैं भी आज सुभाष बोस, सुभाष बोस तन फरक करा रहे, सुभाष बोस तन फरक करा मेरे रो कहलाई, और भारत माता जननी माता ये माता जा बताई। जब बेटे आ गए माँ कट जा, बेटा क्यों कर करे समाई, और भारत माँ की कैद छुटाली करके ने लड़ाई। सुभाष बोस के कोई माँ के अंदर फर्क नहीं करता, लेकिन आज माँ माँ के साथ माँ माँ के अंदर फर्क किया गया कि सुभाष बोस तन फरक करया मैं रो कैद बेचारी, और लोगों आख्या के मां सुहा जा जा सुनो हकीकत। तीसरी बात में याद करती है उस इंसान को जब कोई मदद के लिए नहीं दिखाई दिया, तो आखिर में उस इंसान को याद करती है सजनों जिसने गौ रक्षा के लिए अकेले ने सैकड़ों हद्दे तोड़े थे और अपने प्राण तक गवा दिए थे। याद करते उस इंसान को, कहने लगी रे बेईमान, तन्ने तो मेरी रक्षा करण के वचन भरे थे, दुनिया को छोड़ कम तक कम तन्ने तो वचन भरे थे कि मैं तेरी रक्षा करूंगा गौमा, लेकिन बेटे मन आज न्यू लागे के ते तो इन पापिया ते डर लिया, और नहीं बेटे आज तेरी भी नीत में फर्क आ लिया। किसको याद करती है गौ माता? डूब के मरे क्या
आखिर में बड़ी लाचार हो जाती है गौ माता और आवाज लगाती कि मेरे हिंदू बेटो, अगर आज इन कसाईयों ने मेरा कुछ कर दिया और अगर मेरे कुछ हो गया तो आज के बाद एक भी हिंदू अपने आप में जिंदा मत समझिए। क्यों? क्योंकि जिस धर्म के अंदर मां को खाया जाता हो, मां का मांस खाया जाता हो, वो धर्म जिंदा नहीं हो सकता। कैसे? सत्यवान